तो गाइस हम ड्यूटी से अब निकल चुके हैं और हमें जाना था सरयूट। तो हमने गांव वालों से यहाँ पूछा और उसने बोला कि यहाँ पर जो लोकेशन है वही सेम लोकेशन आपको सरयूट में मिलेगा। तो हमने सरयूट ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है और यहाँ से हम डायरेक्टली जाने वाले हैं गौमुख। तो वहाँ का लोकेशन क्या है और क्या उसका नज़ारा है वो सब कुछ दिखाने वाले हैं पूरा व्यू। तो वीडियो पूरा देखते रहिए और हम दिखाएंगे वहाँ का क्या क्या लोकेशन है और किस तरह से वहाँ आप घूम सकते हो। तो वो लोकेशन किस तरह से पूरा दिखाने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए। कर देंगे अभी पार्किंग थोड़ी गाड़ी हमारी और उसके बाद है जो हम सारा लोकेशन दिखाएंगे। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो बंदर भी यहाँ बहुत सारे हैं, तो आपको कैमरा वगैरह संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कौन कभी बंदर लेके भाग जाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारा लोकेशन भी है यहाँ, बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे और बहुत ही अच्छा है। अगर आप शूट करना चाहते हो, फोटो शूट करना चाहते हो और घूमना भी चाहते हो तो भी बढ़िया है क्योंकि यहाँ घूमने बहुत सारे लोग भी आते और अभी पानी नहीं है वरना यहाँ पे पानी ऐसे ही बहता ही रहता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा और भी हम नीचे जाके और उसका लोकेशन भी मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा नीचे जाके। तो देखिए आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरह से लोकेशन और बहुत सारे लोग भी यहाँ घूमने आते हैं। पानी होता तो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से बहता होता और यहाँ से नीचे की तरफ बहकर जाता चालू रहता है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल नहीं है और ये कुछ हमारे दोस्त है और ये राम है। इधर तो मैं पहले आ गया, कैसा लगा? पहले आ गया हूँ, बहुत अच्छा है। चला रहा हूँ पर अभी क्या है कि पानी कम है, मतलब अभी पानी यहाँ होना चाहिए तो अभी नहीं है। अभी नहीं है बारिश, इस साल बारिश कम हो रही है, कम हो रही है। अभी ज्यादा होगा आगे तो बहुत ही अच्छा पानी का जो झरना है, मतलब यहाँ बहाव ऑलरेडी चालू रहता है। सचिन किस में मंथ में यहाँ पानी चालू रहता है? बारिश होती है तब जुलाई में, तो मतलब अभी तो नवंबर दिसंबर तक पानी आता है। बराबर, दिवाली तक, मतलब नवंबर दिसंबर तक यहाँ पानी ऑलरेडी चालू रहता है। तो अभी तो मतलब अभी का टाइम है तो ये बारिश का ही टाइम है, तो अभी फिलहाल तो पानी नहीं है। पर ओके देख सकते हो आप, तो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप बारिश
बारिश अगर चालू है तो यहाँ से पानी बहता रहता है और ये जगह बिल्कुल आप देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। अगर बारिश होती तो यहाँ पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से पानी यहाँ से बहता आपको नजर आता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, तो चलिए मैं फिर मंदिर की तरफ हम जाएंगे और दिखा देता हूँ इसके। तो गाइज ये है गौमुख मंदिर है यहाँ पे, और अब देख मैंने दिखाया है, देखिए यहाँ पे जो पानी है वो 24 घंटे यहाँ पे चालू रहता है। देख रहे हो यहाँ पे जो मंदिर है, और मैंने दिखाया यहाँ पे जो पानी है वो ऑलरेडी 24 घंटे यहाँ पे चालू रहता है और नेचुरल है। अगर बारिश हो तो भी ये पानी चालू रहता है, और अगर नहीं है तो भी गर्मी की सीज़न है तब भी ये पानी यहाँ पे ऑलरेडी बहता ही रहता है, तो ये नेचुरल है। अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो बहुत ही अच्छा है गाइस, ये बहुत ही अच्छी जगह है, और अगर आप यहाँ घूमने भी आते हो तो बहुत बढ़िया है। तो हम तो बहुत यहाँ अभी नीचे भी जाके आए, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत अच्छी है जगह घूमने के लिए अच्छी है, और अगर फोटोशूट करना चाहते हो तो भी अच्छी है यहाँ। और यहाँ पे बंदर बहुत सारे, आप जहाँ भी देखोगे बंदर आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइबर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दे, और बेल आइकन को भी साथ साथ जरूर दबा दे ताकि जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिले। और यहाँ से हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाने वाले हैं, वो है डोसवाड़ा। तो चलिए वहाँ का लोकेशन भी आपको दिखाएंगे, और किस तरह का वहाँ का लोकेशन है पूरा व्यू दिखाएंगे डिटेल के साथ। तो चलिए चलते हैं यहाँ से।